तो आज हम आ गए हैं बिहार के शहर पटना में, जहाँ पे संजय चिकन लिट्टी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिकन लिट्टी को बनाकर पहले से रखा गया है और यहाँ पे बनता रहता है, बिकता रहता है। इसका मेकिंग तो हम दिखाएंगे ही, सबसे पहले आपको हम अंकल जी से बात कराते हैं। तो अंकल जी सबसे पहले बताइए कि ये लिट्टी चिकन आप बना कब से रहे हैं? 40 साल से ऊपर से बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज का यूज करते हैं? तो नॉर्मली ऐसे चिकन और लिट्टी का यूज करते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये सब घर पे ही पहले रेडी करके लाते हैं? अच्छा, घर पे सारा चीज रेडी करके लाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चिकन लिट्टी जो है ये बना हुआ है। अच्छा, ये लेग पीस रखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लिट्टी जो है काट कर रखे हुए है। और ये अच्छा, ये गर्दन पीस हो गया। अच्छा, ये सीना पीस हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं सीना पीस है। आप इसे खाना चाहते हैं यहाँ पे तो खा सकते हैं, और पैकिंग कराना चाहते हैं तो पैकिंग भी करा सकते हैं। तो कितने रुपए प्लेट देते हैं आप? 90 रुपए प्लेट है। एक चिकन रहेगा, दो लिट्टी रहेगा, चाहे लेग लीजिए चाहे सीना का कोई चीज। अच्छा, तो 90 रुपए का एक प्लेट देते हैं। 60 फाक रहेगा, एक लिट्टी में 4 फाक। अच्छा, एक लिट्टी का 4 फाक किया जाता है और उसमें डाला जाता है, उसके बाद इसे बनाकर तैयार किया जाता है। तो चलिए इसका मेकिंग दिखाते हैं शुरू से कि ये बनता कैसे है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आग को जलाया गया है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा तावा के अंदर में यहाँ पे तेल को डाला गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को कटिंग किया जा रहा है। और प्याज कटिंग होने के बाद अब ये तेल गर्म हो चुका है, तो इस तेल के अंदर में अब इस प्याज को डाला जाएगा ताकि ये भून कर ग्रेवी अच्छे से बन सके, इस वजह से ऐसा किया जाता है। और अब यहाँ पे दिखाया तो देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का ढेर सारा लेग पीस रखे हुए हैं, जो कि चिकन और लिट्टी बनेगा इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अब प्याज के अंदर में डाला जा रहा है चिकन का लेग पीस। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया तो देख सकते हैं चिकन का यहाँ पे सीना पीस और गर्दन पीस रहता है, और सभी को डालकर अब अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची को डाल दिया गया है ऊपर से, और अब उसके साथ मिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिट्टी को डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिट्टी और चिकन बनाना है, इस वजह से पहले तो चिकन डाला ही गया था, ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं लिट्टी को अब डाला जा रहा है। और ये सभी चीज़ डालने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स किया जाएगा। तो देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा देर भुना गया है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेथी को डाला जा रहा है। और अब यहाँ पे दिखा तो देखिए कितना लाजवाब जो है ये चिकन का ग्रेवी बनाया गया है, और इस ग्रेवी में भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाला गया है अच्छे से मेथी को, और उसके बाद यहाँ पे मिलाकर ग्रेवी को अब तावे में डाला जा रहा है। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए पकाया जाएगा, ताकि जो चिकन हो वो भी अच्छे से पक जाए और लिट्टी जो हो वो भी सॉफ्ट हो जाए, इसका जो थोड़ा ग्रेवी है इसका अंदर में चला जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब सभी को डालकर अब अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, और ये अब काफ़ी जल्दी रेडी भी हो जाएगा, खाने के लिए मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब अंकल जी सभी को एक साथ डालकर मिक्स किया जा रहा है, वहीं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद अपना इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स करने के बाद सत्तर स्वाद एक जैसा हो जाए, इस वजह से बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं करते हैं अंकल जी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा कलर जो है अब थोड़ा चेंज हो गया है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब डाला गया है धनिया पत्ता को, और धनिया पत्ता को डालने के बाद और फिर से वही थोड़ी देर के लिए मिक्स किया जाएगा, ताकि उसका स्वाद जो है वो भरपूर मात्रा में हर जगह मिल जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लेग पीस को काटा गया है, ताकि अभी पैकिंग करना है, तो पैकिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अपना एक डब्बा रखे हुए हैं, जिससे इनका अनुभव है कि कितना एक प्लेट में जाता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाल दिया गया है, उसके बाद कुछ और पीस और ग्रेवी को देख सकते हैं नीचे से लेकर डाल रहे हैं, और फिर अब इसका पैकिंग किया जाएगा। तो पैकिंग करने के लिए शानदार पैकिंग भी किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं डाल दिया गया है पन्नी में, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से लपेट कर इसमें रबर लगाकर पैकिंग करके दिया जाता है, ताकि कहीं पर भी ले जाए तो कहीं पे गिरे ना, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो देख सकते हैं चिकन लिट्टी डाल दिया गया, वहीं उस चटनी के साथ उसको दे दिया गया है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट में हमारे लिए चिकन लिट्टी लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी लेग पीस खाने वाले हैं, और लेग पीस के साथ लिट्टी देंगे। तो यहाँ पे ये भी विशेषता है कि आप लेग अगर मांगते हैं तो लेग पीस ही खाने को मिलेगा। तो देख सकते हैं प्लेट में चिकन लिट्टी डाल दिए हैं, उसके बाद प्याज को डाल दिया, और ऊपर से हल्का धनिया पत्ता डालकर हमें खाने को दिए हैं। और इस प्लेट का कीमत 90 रुपये हो जाएगा, और इसे अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो ना बोरिंग रोड हरिलाल जो है वो काफी फेमस है, उसी के जस्ट सामने आप अगर आएंगे तो यहाँ पे संजय चिकन लिट्टी आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आकर आप लोग 90 रुपए में खा सकते हैं।